चलते चाय गलत, पीते गलत, गलत इन्फॉर्मेशन बता दो। लड्डू खा लो गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ही हमारा डे 11 ऑफ आवर इंडिया वेकेशन सीरीज। तो आज हम जा रहे हैं शिमला। तो वैसे हम काफी दिन तक व्लॉग नहीं कर पाए थे बिकॉज हम बहुत ज्यादा थक गए थे और बहुत रेस्ट कर रहे थे, मतलब फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। और बिकॉज यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है तो उस वजह से हमारा पूरा मेरा तो ये पूरा जाम हो चुका था, तो उस वजह से कफ हो रहा था, कोल्ड खांसी जुकाम सब। और तो अभी भी हो रहा है, मतलब मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। तो वही दवाई वाई लेके पड़ा हुआ था मैं तो 2-3 दिन, तो इसलिए वहाँ पे व्लॉग नहीं हुआ। तो बट हम आज व्लॉग करेंगे। तो हम जा रहे हैं शिमला और अभी हम निकलेंगे यहाँ से 7-8 बजे करीब। 3 दिन की ट्रिप है हमारी। और गाइस हम शिमला क्यों जा रहे हैं वो एक सरप्राइज है, तो इसको हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम शिमला पहुँचने के बाद बताएंगे। तो इसलिए आप एक भी व्लॉग मिस मत करना अब हमारा, तो देखते रहना हमारी शिमला की ट्रिप अगर सरप्राइज जानना है तो। सो गाइस देखते हैं कैसा जाता है हमारा ये वाला ट्रिप। और हम जा रहे हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ में जा रहे हैं, तो अभी उन्हीं की वेट हो रही है। तो जैसे ही वो आते हैं फिर हम निकलते हैं शिमला के लिए। ये यहाँ पे चाचा सब्जी लूट के ले आए हैं। ये है हरा प्याज है, ये बहुत ही सस्ते दर पे मिली है। मैं भी केशव मंडी गया था, केशव मंडी से लेके आया हूँ सब्जी, वहीं पे सस्ती है। और ये मैं लेके आया हूँ धनिया भी है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा धनिया। इससे धनिये से चटनी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, हरी आएगी और इससे सब कुछ हरा हरा आएगा। अब इसे खाने के बाद आपका हरा हरा सामान भी आएगा। ये मिक्स है, इसमें गाजर, खीरा और धनिया है। शिमला मिर्च बहुत बढ़िया, शिमला मिर्च लेके आओ, ये पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं मिलेगी। शिमला जा रहे हैं, मसूर लेके आएंगे। ये बहुत ही अच्छी शिमला मिर्च है, ये पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं, जैसे हमारे खेतों में मिलती है वैसी ही है। सो गाइज मम्मी पापा आ चुके हैं, बस अब हम लोग सामान लोड कर रहे हैं गाड़ी में और उसके बाद फिर निकलते हैं। पूरा रोड पे पूरा उन्होंने घर बना लिया यार यहाँ पे। ये देखो, ये वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था ये सारा वही है, और सब लोगों ने यहाँ पे पूरे मतलब काफी घेर रखा है, रास्ता पूरा ब्लॉक है और 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं इसको। इतना लंबा है ये, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। वहाँ तो लोगों ने घर बना लिया ना, पहुंच चुके हैं हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे 60 माइलस्टोन। तो हमने अभी तक 100 किलोमीटर का करीब पार कर लिया है और अभी 400 किलोमीटर का रास्ता था हमारे घर से शिमला का, 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो 200 किलोमीटर और रहते हैं बस। क्या बोला? तो 200 किलोमीटर और रहते हैं बस। क्या बोला? ये क्या बात करता है यार? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे बचे हैं अभी। बचे हैं? नहीं नहीं, 7.5 घंटे चलते चाय पीते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। तो 7.5 घंटे बचे हैं और कुछ 400 माइल्स है। अरे हाँ, यहाँ पे तो किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। तो गाइस हमने ऑर्डर करी है चाय और एक पराठा, क्योंकि चाय के बिना हमारी कोई ट्रिप होती नहीं पूरी। फ्रूट्स और ये और लगाना है क्या चाहिए? और ये रे सैंडविचेस मम्मी बना के लाई थी घर से, स्पेशल चाय। कुल्लड़ चाय आ गई है। दिया चाय, वो अच्छी बात है, पियो चाय भी अच्छी बात होती है। अच्छा हाँ। और ये आ चुका है हमारा स्पेशल बॉक्स पराठा, इसमें दिया है मक्खन भर भर के। अब वो नहीं कह रहे इसमें कि ये भी मक्खन कम है। सो गाइस खाना पीना हो चुका है हमारा, खत्म, डन। और अब दोबारा हम निकलते हैं अपने शिमला के लिए। और वैसे यहाँ से 300 किलोमीटर बाकी है, 200 किलोमीटर नहीं। बादल स्पेशल चूरन, किसी को अगर कब्ज वगैरह गैस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बादल स्पेशल चूरन मिलता है, तो उसको खा के आपकी गैस, कब्ज और एसिडिटी सारी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तुम्हें जरूरत है इसकी, ले लो यहाँ से।
और बाकी हमने पराठा और चाय मंगाई थी, तो चाय जो आई वो कुल्हड़ में आई थी, और कुल्हड़ जो है ना इन्होंने पहले से भिगा के रखा हुआ था, तो बहुत ही अच्छी मतलब स्मेल आ रही थी, मतलब कुल्हड़ की भी और चाय की मिल के मज़ा आ गया चाय पी के वाली, और पराठा भी अच्छा ही था, बस मक्खन थोड़ा सा मतलब नकली लग रहा था, बट बाकी सब सही था। तो अब चलते हैं दोबारा से, रिज्यूम करते हैं हम अपनी ट्रिप। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, और अब यहाँ से शिमला हमारा सिर्फ 130 किलोमीटर ही बचा है। अब तो देख लो, सही बोला है ना? और क्या तो ये बस आखिरी स्टॉप है इसके, सीधा हम डायरेक्टली अब शिमला में रुकेंगे। हाँ। तो अभी हम खाने पीने के लिए रुके हैं थोड़ा, क्योंकि वो चाय वाय तो पी ली थी बट खाना नहीं खाया था, तो अब भूख भूख लग रही है, तो खाना खा के फिर हम निकलेंगे डायरेक्टली शिमला के लिए। और यहाँ पे हम अभी पंजाब में पहुँच गए ना, तो पंजाब में यहाँ पे हमें थोड़ी धूप फील हो रही है, मतलब दिल्ली में इतने टाइम तक थे थोड़ी सी भी धूप नहीं लगी, बट यहाँ पे धूप लग रही है, तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो काफ़ी थोड़ा कम है, काफ़ी कम तो नहीं बट हाँ थोड़ा कम है दिल्ली के कंपैरिजन में। ओके, बाकी बाय द वे काफ़ी अच्छी जगह है ये, मतलब शॉप करने के लिए खाने पीने के लिए, जैसे यहाँ पे हल्दीराम्स भी है और सब्वे भी है और एक अड्डा करके कोई शॉप है ये भी है, तो यहाँ पे भी मतलब खाने पीने का अच्छा खासा सामान मिल जाता है। अरे हम हल्दीराम, चलो चलो चलो। वैसे वो स्कैन करके मेन्यू आ जाएगा, स्कैन ऑर्डर एंड पे, इसे पे भी यहीं से होना है। यहाँ से स्कैन करने के बाद हमने कर दिया ऑर्डर प्लेस और पेमेंट भी हो गई, और हम वेट कर रहे थे यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ऑर्डर इज नॉट प्लेस सक्सेसफुल। इतनी देर वेट करने के बाद अब हम गए हैं दोबारा से काउंटर पे ऑर्डर देने के लिए। तो गाइस आ चुका है हमारा खाना, यहाँ पे छोले भटूरे, ये कॉम्बो, ये राज कचौरी है, और ये भल्ले पापड़ी, और ये मेरा पनीर कॉम्बो राइस है। खाते हैं गाइस खाना, और फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो गाइस पेट पूजा तो हो चुकी है हमारी, अब चलते हैं वापस, फिर से रिज्यूम करते हैं ट्रिप, क्योंकि 130 किलोमीटर रह गया था। जय माता। लड्डू खा लो गाइस। गाइस फाइनली 15 किलोमीटर का रास्ता और बचा है बस। हाँ, लेकिन टाइम एक घंटा ही, एक घंटा दिखा रहे हैं, और रात होती आ रही धीरे धीरे, तो हम ट्राई कर रहे हैं रात से पहले पहुंच जाए। बस अभी पेट्रोल पंप पे पहुंचे हम पेट्रोल भरवाने के लिए, ताकि गाड़ी में पेट्रोल भी भर जाएगा, और सब थक चुके हैं गन्ने वाला, गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं बस कब पहुंचे होटल, कब एकदम मस्त बेड पर लेट के सो जाए। तो बस 15 किलोमीटर और यहाँ पे टंकियां भरी जा रही है पेट्रोल से, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है ना, यहाँ पे टंकियां भरी जा रही है भाई, नीचे एक और है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे शिमला में, और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 7, तो हम सुबह 7 बजे निकले थे और 7 बजे तक पहुँचे, मतलब पूरे 12 घंटे का सफ़र हमने कवर किया, वो भी गाड़ी में बैठे बैठे, तो सबकी ऐसी ऐसी हो चुकी है। और मैंने अपना चश्मा चेंज कर लिया बिकॉज बीच रास्ते में मैंने अपनी आँखें मल ली थी तो मेरा लेंस निकल गया, तो मैंने फिर चश्मा पहन लिया। आगे वापस जा रहे हैं गाड़ी खड़ी करने, नीचे पार्टी चल रही है,